हाय फ्रेंड्स, हमारे पास है कैनन प्रिंटर LBP 2900 और इसमें फ्रेंड्स प्रिंट करने के बाद पेपर जैम इनसाइड प्रिंटर एक एरर आ रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कार्टेज निकाल करके जो जैम पेपर है उसको निकालने का, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कोई भी पेपर जैम यहाँ पे नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है वो है प्रिंटर के सेंसर रिलेटेड। तो एक बार यहाँ पे आप जो एयर ब्लोवर होता है उससे आप अच्छी तरह एयर मार्कर की भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे उससे भी सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद फ्रेंड्स हमको अपने प्रिंटर को यहाँ पे बैक साइड है यहाँ पे इसको ओपन करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके दो स्क्रू यहाँ पे दिए होते हैं, आप इनको वन बाय वन ओपन कर लीजिए और इसके ऊपर का जो कवर है उसको आपको यहाँ पे से निकाल लेना है। उसके फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे इसका कवर यहाँ पे निकाल लेंगे तो इसके अंदर जो सेंसर होते हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे एक जो स्टील कवर यहाँ पे होता है इसमें आपको दो स्क्रू यहाँ पे निकालने हैं और उसके बाद इसके अंदर जो सेंसर होते हैं वो इसके ऊपर कवर यहाँ पे निकल जाएगा। कवर निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर जो आपका राइट साइड वाला जो ये कार्ट्रिज को सेंस करने का सेंसर और सेकंड जो लेफ्ट वाला है वो है फ्रेंड्स हमारे पेपर को सेंस करने वाला। तो अभी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पेपर है यहाँ पे कोई फंसा भी नहीं हुआ है और इसकी जो मैकेनिज्म है ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क भी यहाँ पे कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स इसके जो अपर साइड है वहाँ पर भी यहाँ पे दो पेपर सेंस करने वाले यहाँ पे सेंसर होते हैं। तो एक बार हम ऊपर का जो इसका पोर्शन है वो भी ओपन करके और एक बार चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं कहीं वहाँ पे तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स ये है, ये एक सेंसर ये है, तो इसमें भी ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं है और कोई भी यहाँ पे पेपर यहाँ फंसा हुआ नहीं दिख रहा है। सेकंड वाला हम देख लेते हैं इधर साइड में, तो सेकंड वाले में भी यहाँ प्रॉपरली जो है फंक्शनिंग यहाँ पे हो रही है। तो फ्रेंड्स एक बार हम यहाँ पे ब्रश लेकर के जो सेंसर है उनको डस्ट फ्री यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज कई कई बार डस्ट होने की वजह से भी ये जो सेंसर है वो काम करना यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट ब्रश की हेल्प से इसको हम डस्ट फ्री यहाँ पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो 90% पेपर जैम की यहाँ पे प्रॉब्लम है सेंसर रिलेटेड वो इससे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। अगर इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फ्रेंड्स आपका या तो सेंसर कोई गड़बड़ हो गया या फिर आपके जो प्रिंटर का जो बोर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है। तो अब फटाफट देखिए चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक प्रिंट यहाँ दे दिया है और ये प्रिंट यहाँ पे निकल गया है और आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आई हुई है। तो प्रिंटर मेरा ओके हो चुका है। आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।